आइए जानते हैं राजधानी शिमला से जुड़ी खबरों का हाल। मिड डे मील वर्कर यूनियन ने आज शिमला में सांसद प्रतिभा सिंह से भेंट की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। मिड डे मील कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अधिक काम के एवज में कम वेतन दिया जा रहा है और पिछले कई वर्षों से उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यूनियन की प्रदेश महासचिव हेमी देवी ने कहा कि प्रदेश में 27,000 से अधिक मिड डे मील कार्यकर्ता हैं और वे पिछले दो दशक से अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्रतिभा सिंह ने मिड डे मील कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को केंद्र व प्रदेश सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर लोकसभा में भी उठाएंगी। कुछ इनका इशू है कि बेमार को पक्का किया जाए, वो मिड डे वर्कर है, आशा वर्कर्स है, इन सभी के विषयों को केंद्र सरकार से उठाने की मांग इन्होंने की है। और जैसा और स्टेट्स में भी लागू है तो हिमाचल क्यों ना उसमें शामिल किया जाए, कुछ इस तरीके की बात भी इन्होंने की है। तो मैंने इनसे यही आग्रह किया कि आप विद डॉक्यूमेंट्स विद पेपर्स अगर मुझे वो कागज देंगे तो हम रिटन तौर पे भी संबंधित मंत्री केंद्र सरकार के उनसे भी बात करूंगी और जहां तक विधानसभा में उठाने की बात है उसके बारे में भी मैं अवश्य चर्चा करूंगी। आज मिड डे मील वर्कर के संदर्भ में एक डेपुटेशन हमारा सांसद प्रतिभा सिंह जी से मिला। पिछले 20 वर्षों से जो है हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर काम कर रहा है, मिड डे मील वर्करों को जो है मात्र 3500 रुपए का वेतन दिया जाता है, वह भी समय से नहीं मिलता है, 3-4 महीने के बाद जो है वेतन का भुगतान किया जाता है। इस संदर्भ में जब भी हम सरकार से या विभाग से बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि अभी तक जो है बजट नहीं आया है। तो बड़े ही दुख की बात है कि सबसे गरीब तबके का वर्कर जो इस पूरे देश में काम करता है उसके लिए सरकार के पास देने को पैसा नहीं है। दूसरा, मिड डे मील वर्करों के लिए छुट्टियों का प्रावधान नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आंगनबाड़ी में कम से कम 20 छुट्टियां एक वर्ष में दी जाती है उसी को आधार मानकर मिड डे मील वर्करों को भी जो है छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए।